हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर ग्रामर। द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू ऑल नो इज एडजेक्टिव्स। सो वी हैड डन द ए पार्ट, टुडे वी विल डू द बी पार्ट। सो इन द बी पार्ट हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स देर आर। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ ए नाउन इन ए सीरीज। दे आर यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो हम उसके आगे जो एडजेक्टिव लगाते हैं वो बताते हैं कितने पर्सन हैं, कितने एनिमल हैं, कितने थिंग्स हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे कि कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, या फिर वर्ड्स हो सकते हैं ऑल, सेवरल, मैनी, फ्यू। ऑल मतलब सारे के सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, मैनी का मतलब बहुत सारे, और फ्यू का मतलब बहुत थोड़े से। तो हमें ये बी क्वेश्चन दिया हुआ है, बी पार्ट। इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो वाला ऑप्शन हमको इसमें फिल करना है। फर्स्ट है आई बॉट ए डैश जार्स फॉर माई किचन। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, लिटिल और फ्यू। तो लिटिल इसमें ना सही नहीं लगेगा, तो इसमें जो सही आंसर है वो उसका फ्यू होगा। आई बॉट ए फ्यू जार्स फॉर माई किचन। सेकेंड, यू हैव डैश वर्क टू डू एंड द ऑप्शंस आर मैनी एंड मच। सो वी हैव मच वर्क टू डू, हमें बहुत सारा काम करना है। थर्ड, डैश पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग। ऑप्शन है सेवरल और ऑल। तो इसमें दो हैं, दो ऑप्शन है। सेवरल का मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं घर के बाहर, और कुछ है ऑल पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, सारे लोग खड़े हैं। तो ज़्यादा इसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो सेवरल होगा, सेवरल पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड डैश कॉफी ऑन द टेबल। इसमें दो ऑप्शन है, मैनी या सम। मैनी मतलब बहुत सारी कॉफ़ी, काफ़ी कॉफ़ी गिरा दी, सम मतलब थोड़ी दो। इसमें सम कॉफ़ी ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा सम कॉफ़ी। फिफ्थ, माई मदर आस्क्ड मी टू ड्रिंक डैश द मिल्क। तो इसमें आंसर आएगा ऑल। हाँ, मैंने पूरा का पूरा, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि पूरा का पूरा दूध पी जाना। माई मदर आस्क्ड मी टू ड्रिंक ऑल द मिल्क। तो पांच मैंने आपको बता दिए, तीन नीचे मैंने हालांकि आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको भी करके देखना है। इसके आंसर जो है मैं कल अपलोड करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? तो बी में हम लोग को पांच मैंने आपको बता दिए, तीन चार आपको ये करके देखने अपने आप से। उसके बाद सी पार्ट में सी क्वेश्चन है, इसके अंदर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि बोलते हैं ना कि दिस इज़ माई स्कूल, डैट ट्री इज इन माई गार्डन, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, दीज टमाटोज आर राइप। तो जो ये वर्ड होते हैं दिस, डैट, दोज, दीज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये हमें क्या बताते हैं? दे पॉइंट आउट विच नाउन्स आर बींग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस। किस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो उसके बारे में बताते हैं। तो सी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो बताने हैं। तो बहुत ईजी है ये, तो दिस, डैट, दोज, जो बता रहा है कि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो एडजेक्टिव बताना है। तो फर्स्ट है इज दिस कैप विद द रेड बटन्स योर्स। क्या ये लाल बटन वाली कैप तुम्हारी है? तो ये जो इसमें ये है ना, दिस कैप, ये दिस, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वी हैव ए हाउस बाई डैट हिल विद द पॉइंटेड पीक। हमारा घर उस पहाड़ के पास है जिसकी चोटी पैनी है। तो इसका मतलब है उस पहाड़, डैट हिल, डैट हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्ड, डू यू थिंक दीज शूज वुड फिट यू। तो बिल्कुल सही है, इसमें दीज आएगा। इज दिस बुक द वन यू आर लुकिंग फॉर? दिस बुक, जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में अपनी बुक खोल लें और साथ साथ में बुक में मार्क करें और साथ साथ में समझें। लुक एट डैट फनी कैट, उस फनी कैट को देखो। तो डैट इसमें आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से आगे दोज, दोज और दीज आंसर हैं, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब जो अगला है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव का मतलब होता है पोजेस करना, मतलब किसी चीज़ का तुम्हारे पास होना। जैसे अगर आपके पास बैग है तो आप बैग पोजेस करते हो, और पोजेसिव मतलब कि वो ये बता रहा है कि वो बैग आपका है। तो कुछ सेंटेंस देखो हम रीड करते हैं। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। अमन हिज हर ब्रदर, वो अमन का, अमन उसका भाई है। द बर्ड स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, बर्ड ने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं योर, माई, हर एंड इट्स, ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स।
ये बताती हैं कि ओनरशिप किसकी है, कि वो चीज़ किसकी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव शो ओनरशिप और द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आंसर्स अ क्वेश्चन हुज, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो आंसर कोई करेगा दिस बुक इज माइन। तो जो हुज के आंसर में जो आंसर आता है, हुज क्वेश्चन जब आप करते हो जो उसका आंसर आता है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बताते हैं। तो देखो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं। हैव यू सीन डैश न्यू कोट, आई कांट फाइंड इट। तो अगर आप इसके आंसर को मत देखो अभी, हैव यू सीन डैश न्यू कोट, क्या तुमने डैश नया कोट देखा है, आई कांट फाइंड इट, अगर आई कांट फाइंड इट आ रहा है मतलब कि ये बोलने वाले इंसान का ही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माई। शी हैज़ लॉस्ट डैश कार कीज, उसने अपनी चाबी की गाड़ियाँ गुम कर दी हैं, तो हर आएगा यहाँ पे। ही स्टूड विद हिज हैंड्स डैश पॉकेट्स, तो अगर कोई खड़ा हुआ है और उसके पॉकेट में हाथ है, अपने ही पॉकेट में होंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा हिज, ही स्टूड विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, ठीक है। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं, अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, आंसर भेज दूंगा। अब हम ई क्वेश्चन करेंगे। कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इंटरोगेटिव पोजेसिव का उल्टा है, इंटरोगेटिव में पूछते हैं, जैसे कि दिस डैट दीज दोज था ना, इंटरोगेटिव में उल्टा है, विच वॉट हुज, मतलब किसका है ये। तो देखो, डैश टाइप ऑफ पिज्ज़ा डू यू वॉन्ट, तो इसमें आएगा वॉट टाइप ऑफ पिज्ज़ा डू यू वॉन्ट। एट डैश हाउस आर वी सेलिब्रेटिंग, हम किसके घर में सेलिब्रेट करेंगे, तो आएगा हुज, एट हुज हाउस आर वी सेलिब्रेटिंग। डैश टाइप ऑफ साइकिल डू यू प्रेफर, विद गेयर्स और विदाउट गेयर्स, तो यहाँ पर आएगा वॉट टाइप ऑफ साइकिल, कैसी साइकिल पसंद है तुमको, गेयर वाली या बिना गेयर वाली। डैश गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, विच गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट। सो मैं आपको सारे आंसर्स नहीं बताऊंगा, हालांकि इस वीडियो में सारे आंसर्स हैं, आपको अपने आप से भी ट्राई करना है, और अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।